तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसे कि आज हम लोग गन बनाएंगे, तो ये इमेज सबसे पहले मैं पीछे देता हूँ कुछ इस तरीके से, और लॉक कर देता हूँ कुछ ऐसे। अब बनाए कैसे? सबसे पहले जैसे कि कोई भी एक पार्ट ले लो जो आपको ठीक लगे नॉर्मली। जैसे कि मैं एक रेक्टेंगल लूंगा कुछ यहाँ से यहाँ तक, और उसे स्केल कर दूंगा, 4 दबाता हूँ कुछ इस तरीके से, राइट क्लिक और वर्टेक्स पे चला जाता हूँ। तो कैसे है कि इसका जो पॉइंट रहेगा वर्टेक्स का, वो एक कॉर्नर पे ले लेता हूँ, और ये वाला जो पॉइंट है, जैसे कि देखोगे दो अलग पार्ट है, नीचे का अलग है ऊपर का अलग है, तो इसे मैं यहाँ तक रखूंगा। सेम प्रोसेस पीछे के लिए भी, जैसे कि ये वाला जो है वो यहाँ पर रख सकता हूँ मैं, और ये जो है उसे यहाँ तक रख दूंगा कुछ इस तरीके से। जैसे ही हो जाएगा, अभी ध्यान देना है मुझे फिर से हाफ गन ही बनानी है, तो शिफ्ट राइट क्लिक मल्टी कट, और हाफ के लिए इतना कर देता हूँ और फेस लेता हूँ और ऐसे क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ। तो मेरे पास हो गई अभी हाफ जैसे मुझे चाहिए था। अब सारा काम जो है वो अंदाजे के ऊपर चलेगा, क्योंकि हमारे पास इमेज सिर्फ एक ही व्यू है, दूसरा व्यू नहीं है। तो कोई कोई चीजें होती है जो हम लोग अलग से बिठा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इसके अंदर भी है वैसा ही हो, आप अपने मर्जी से भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो कि ये पार्ट बाहर आया हुआ है, यहाँ से एक कर्व है सर्कल टाइप है, तो मैं लेता हूँ यहाँ से रिटर्न, सिलेक्ट करता हूँ ऑब्जेक्ट को और मल्टी कट लेकर एक बीच में दूंगा, जो कि देखोगे यहाँ तक आएगा पूरा स्ट्रेट लाइन बाहर की तरफ। और इस व्यू से जैसे कि वर्टेक्स पे आ जाऊंगा मैं, और ध्यान दो जैसे कि यहाँ से वो कर्व है, तो एच के ऊपर जाता हूँ, एच को सिलेक्ट करके अंदर ले लेता हूँ कुछ इतना, क्योंकि वो टॉप पार्ट है गन का। वही अगर ये वाला पार्ट जब देखोगे तो ये बाहर का ही पार्ट है, तो ये प्रॉपर यहाँ पर दिख रहा है मुझे। लेकिन और एक मल्टी कट लेकर यहाँ पर मैं दे सकता हूँ, जो कि थोड़ा सा अंदर की तरफ मैं रख सकता हूँ उसको कुछ ऐसा, कि वो वहां पर थोड़ा सा एक डेप्थ है करके, और फिर वो ऐसा एक गोल बन रहा है। गोल बनने के लिए मैं क्या करता हूँ, मल्टी कट, 1 2 3 एजेस लेता हूँ, 1 2 3 थोड़ा सा बाहर लो कुछ ऐसा, और एक को सिलेक्ट करके थोड़ा सा और बाहर, देखोगे ये एक सर्कल टाइप आ चुका है, ये देखो तो एक कर्व बन चुका जो कि मुझे यहाँ पर चाहिए था। अगर यहाँ से देखूंगा, माउस का इश्यू है यहाँ पर, तो जैसे कि देखोगे यहाँ से ऊपर की तरफ से था, यहाँ पर अंदर था, अब यहाँ से देखोगे ये अंदर की तरफ जा रहा है, ऐसा कब जा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, रिटर्न मल्टी कट लेता हूँ, यहाँ से एक कट डालता हूँ कुछ इस तरीके से, और रिटर्न राइट क्लिक करके एजेस, इस एजेस को डालूंगा जो अभी सिलेक्ट किया था, और आर दबाकर स्ट्रेट कर दूंगा, जिसकी मदद से मैं यहाँ पर उसे लगा सकता हूँ, करेक्ट। अब उसको पीछे लेकर, मतलब जो पॉइंट्स अलग थे उनको उनके हिसाब से लगाना है। जैसे कि ये पॉइंट रहेगा कुछ यहाँ पर, क्योंकि देखोगे ये वर्टेक्स यहाँ पर है, तो इसको भी थोड़ा सा आगे ले लो चाहिए तो, और इन दोनों को थोड़ा और आगे कुछ इस तरीके से, इसको थोड़ा सा पीछे ले लेते हैं और इसको थोड़ा और आगे कुछ इस तरीके से। अब बन तो गया ऐसा, लेकिन ये जो पार्ट है वो अंदर की तरफ जा रहा है, बराबर डेप्थ आ रहा है इसके अंदर, तो इसे सिलेक्ट करके इसको भी थोड़ा सा आगे ले लेता हूँ कुछ ऐसा, कि मुझे ये पार्ट अंदर भेजने के लिए मिल जाए, और जो जो अंदर भेजना है वो अंदर भेज सकते हो, लेकिन ये भी एक कर्व की तरह जा रहा है अंदर की तरफ, सीधा नहीं जा रहा है, क्योंकि अगर मैं सीधा लेकर जाऊंगा तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। जैसे कि ये अंदर जा रहा है, ये अंदर जा रहा है, ये अंदर जा रहा है, और ये अंदर जा रहा है, ऐसा कुछ अंदर जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ से बाहर भी चाहिए थोड़ा सा कर्व के लिए, तो रिटर्न मल्टी कट ले लो, जितने आपको चाहिए उतने दो कुछ इस तरीके से, बीच में देने की भी जरूरत है क्योंकि
क्योंकि कॉग्नेस थोड़ा बढ़ा सकते हम लोग। तो मैं क्या करता, पहले वर्टेक्स को लेकर ये तीन जो वर्टेक्स है, रिटर्न वही प्रोसेस बाहर की तरफ थोड़ा सा, क्योंकि कर्व चाहिए मुझे, इन दोनों को भी थोड़ा सा ले ही लेते हैं, जैसे कि ये और ये, जूमिंग इनको भी थोड़ा सा बाहर, इनको थोड़ा सा और इसको सबसे ज्यादा, ऐसा कुछ। अब यहाँ पर एक शार्प लाइन आने वाली है इसके लिए, तो एक और मल्टी कट लेंगे, एक लाइन डाल देंगे, एजेस लेंगे और एजेस को जैसा आपको चाहिए उस हिसाब से दे दो, जैसे कि ये चार कुछ ऐसा, ऊपर से भी थोड़ा सा भेजना है तो भेज सकते हो, जूम इन करता हूं मैं थोड़ा सा, ये दो एंड तीन, थोड़ा सा रुक, इसमें कोई और एज सिलेक्ट हुआ है, मुझे ये वाला बाहर का जो एज है वो चाहिए, तो ये सब भी आपको चीज है ध्यान रखना। ऑब्जेक्ट मोड पे आ जाओ, कुछ इस तरीके से वो अभी दिखेगा, देखो कि यहाँ पर एक शार्प लाइन भी आ चुकी है, लेकिन ये शार्प लाइन कुछ अच्छी नहीं दिख रही है, वो एक परफेक्टली शार्प दिख रही है। तो एजेस पे आ जाओ, ये सिंगल एज को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और शिफ्ट राइट क्लिक के साथ बेवल दे देते हैं, सेगमेंट एक और फ्रैक्शन थोड़ा सा कम, ऐसे ये देखो एक शार्प लाइन आ चुकी। यहाँ पर मुझे थोड़ी स्मूथनेस चाहिए ऊपर के इसमें, तो राइट क्लिक एज बेवल और फ्रैक्शन बढ़ा देता हूँ, ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, क्यों नहीं बढ़ रहा है, कंट्रोल अंडू, यहाँ पर कुछ इश्यू है, ओके वो डबल लाइन से इसलिए वो रोक रहा है उसको, तो मुझे दोनों लाइन को सिलेक्ट करना पड़ेगा, एच ये भी और ये भी, और फिर बेवल देना पड़ेगा, नहीं फिर भी नहीं हो रहा है, अंडू करता हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पर कुछ अलग ही एरर है, जैसे कि एज मूव टूल, ओके एजेस यहाँ पर ज्यादा हो चुके, बहुत नजदीक है, तो जो एज नहीं चाहिए होगी वो बाद में हम लोग डिलीट कर देंगे, फिलहाल के लिए मैं ऐसे ही रख रहा हूँ। अगर आपको सर्कल में चाहिए होगा तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि फेस सिलेक्ट करो और यहाँ से सर्कुलराइज कर दो, देखोगे वो सर्कल बनाकर दे देगा, लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि वो अपने हिसाब से बनाता है तो गलत भी कर सकता है, तो आप फ्रंट व्यू में वगैरह जाकर जैसा आपको ठीक लगे वैसे आप रख सकते हैं, जैसे कि राइट क्लिक वर्टेक्स, ये वाला वर्टेक्स मूव टूल से मैं नीचे ले लेता हूँ, इसको थोड़ा सा एडजस्ट, इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट कुछ इस तरीके से, इसको भी थोड़ा सा नीचे, कुछ ऐसा, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ये वाला देखोगे प्रॉब्लम हो चुका है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा उसे भी एडजस्ट करना पड़ेगा। कैसे करोगे, सिंपली सारे एजेस सिलेक्ट करो, आर दबाओ, स्ट्रेट लेकर आओ, डब्ल्यू थोड़ा आगे की तरफ, और यहां से जैसा एंगल रहेगा उस हिसाब से लगा दो, आर और मोर पुल से थोड़ा सा, ओके कुछ इस तरीके से हो गया पूरा फ्रंट पार्ट और ऊपर का, लेकिन इसमें एक कमी है, क्या कमी है,
ये वाला पार्ट, ये कोई ऐसा ऐसा कुछ क्रॉप हुआ है तो वो फेसेस मुझे उतने डिलीट करने पड़ेंगे, उसके लिए मुझे वो मेजरमेंट बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे, मल्टी कट ले लो, देखोगे यहाँ से एक क्लिक करता हूँ, देखोगे प्रॉपर आ गया पूरा, क्योंकि वो एक परफेक्ट लूप चल रहा है। उसे सिर्फ आपको थोड़ा सा एडजस्ट करने की जरूरत पड़ेगी, कुछ ऐसा। बाद में देखोगे ये लाइन भी है मेरी प्रॉपर, लेकिन ये जो लाइन है वो गलत है। क्यों? क्योंकि लूप यहाँ से स्ट्रेट है, तो यहाँ पर भी स्ट्रेट बनाना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ, जिससे क्या होता है कि जो पिक्सल टेक्सचरिंग के वक्त आते हैं वो सही आएंगे। आगे आते हैं, यहाँ तक सही आने वाला है वो लाइन, हाँ ठीक ही ठाक है, चलेगा। राइट क्लिक, मल्टी कट, एक यहाँ पर ले लेता हूँ अपने हिसाब से, बाद में एडजस्ट कर लूंगा, और एक यहाँ पर ले लेता हूँ। राइट क्लिक, रिटर्न, वर्टेक्स पे आता हूँ, सारे वर्टेक्स सिलेक्ट, आर स्ट्रेट करूंगा, क्योंकि मुझे तो डिलीट ही करना है बाद में, तो मैं अपने हिसाब से बना ले रहा हूँ। अब यहाँ से ध्यान रखो, ये वाला वर्टेक्स है, तो ये मैं ऊपर लूंगा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ से मुझे कट जैसा शेप देना है, तो इसे कुछ यहाँ पर रख दूंगा, कुछ इस तरीके से। मूव टूल, वर्टेक्स, सारे वर्टेक्स सिलेक्ट एंड मूव। फिर यहां से भी इसे यहां पर इसे कुछ यहां पर ऊपर की तरफ, और ये वाला वर्टेक्स यहां पर। तो ये लूप बहुत जरूरी है, तो ध्यान रहे लूप खराब ना हो। चाहिए तो अलग से बनाओ, लेकिन इसमें ये अलग नहीं बना पाएंगे हम लोग, इसलिए मैं इसी में कंप्लीट कर रहा हूँ। हो गया इतना। अब जो फेसेस है, राइट क्लिक करके फेसेस ले लो ऐसे कुछ, और जो फेसेस की जरूरत नहीं है उन फेसेस को सिलेक्ट करके डिलीट कर लो, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। लेकिन ये प्रॉपर नहीं दिखेगा, क्यों? क्योंकि इनकम्प्लीट लग रहा है। तो यहां से यहां तक सिलेक्ट करो, कंट्रोल ई एक्सट्रूड करो, और थोड़ा सा थिकनेस दो, कंट्रोल जेड, थोड़ा सा देना है, ज्यादा नहीं, वो भी अंदर की तरफ, कि वो थोड़ा सा जाड़ापन दिखने के लिए, ऐसे कुछ, ये दो। और चाहिए तो जो एजेस हम लोग ने अभी किए कंप्लीट, उसी एजेस को रिटर्न सिलेक्ट करो, जैसे कि ये वाले, अंडू, ये, कुछ इस तरीके से। और शिफ्ट राइट क्लिक के साथ बेवल ले लो, और एक सेगमेंट के साथ फ्रैक्शन कम कर दो, कुछ ऐसा। तो अभी देखने जाओगे तो देखो अच्छा दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखते हुए करनी है, डायरेक्टली फटाफट के लिए जंप मत करो। उसके बाद यहाँ पर भी देखोगे, यहाँ पर भी एक लाइन शार्प आने वाली है यहाँ पर, तो उसको भी अभी कर देते हम लोग। जैसे कि यहाँ पर एक इश्यू हो सकता है हम लोग को, थोड़ा ऊपर ले लेता हूं मैं, ये जो एज है, कंट्रोल अंडू, ये जो एज है उसे थोड़ा सा मैं अंदर डालूंगा, कुछ इस तरीके से, इसको भी थोड़ा सा अंदर, जिसकी मदद से मैं वो एक्स्ट्रा एज देख पाऊंगा जो कि कब से दिख नहीं रहे थे। अब यहाँ पर मुझे एक शार्प एज चाहिए, तो शिफ्ट राइट क्लिक, बेवल, फ्रैक्शन बढ़ाता हूं, और एक सेगमेंट दे देता हूं, ऐसा कुछ। ये देखो यहां पर गड़बड़ हुई है, देखो स्ट्रेट नहीं, वहां पर वो लूप का गड़बड़ हुआ है। तो क्या करना है, तो वर्टेक्स पे आओ, ये दो वर्टेक्स जो है, जैसे कि टारगेट वेल्डी ले लेते हैं, इसे इसके साथ मर्ज कर दो, इसे इसके साथ, और इसे भी कर दो, नहीं इसका फायदा नहीं है, इसे ही कर दो, और ये वाले को सिर्फ थोड़ा सा मूव करके लगा दो, ऐसा कुछ, वो खुद ब खुद मैनेज हो जाएगा, ये वाला थोड़ा ऊपर आएगा, ऐसे कुछ। अब देखो ऐसा कुछ, फिर भी गड़बड़ लग रही है, या वाला एज तो ये तो सीधा ही जाने वाला है हम लोग का, कुछ इस तरीके से, क्योंकि वो स्ट्रेट ही है, चेक करते एक बार।
हाँ ये स्ट्रेट लूप ही है। हाँ ये माउस गड़बड़ है बहुत, चेंज करने का टाइम नहीं। तो ये यहाँ पर ले लेता हूँ, इसे थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, इसे थोड़ा सा यहाँ पर, और शायद से इसे मैं यहाँ पर रख के शिफ्ट राइट क्लिक के साथ टारगेट वेल की मदद से इसके साथ मर्ज करवा देता हूँ। तभी इतना नहीं दिखेगा जितना पहले दिख रहा था। पहले बहुत ये एज ऐसा था, ऐसा दिखेगा। देखो एक्स्ट्रा एज का तो नहीं है, एक्स्ट्रा एज छोटी है उसका तो प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, वो एक्स्ट्रा एज मैंने ऊपर की तरफ रख दिया। एक्स्ट्रा एज हमारा यहाँ पर है, ये देखो यहाँ पर भी इशू आने वाला है। तो हमें क्या करना है, इस एज को शिफ्ट राइट क्लिक टारगेट वॉल की मदद से कनेक्ट करवा दो, और फिर मल्टी कट की मदद से, जैसे कि यहाँ से हमारे पास मल्टी कट, ये वाले एज को यहाँ पर पहुंचा देना है। गलत बन रहा है, क्यों? क्योंकि मैं डायरेक्ट खींच रहा हूं तो मुझे ऐसे वो बीच बीच में जाना पड़ेगा। कुछ इस तरह से अब देखोगे तो थोड़ा ठीक लगेगा। तो भी थोड़ा गड़बड़ लग रहा है यहाँ पर कि ज्यादा शार्पनेस ज्यादा आ चुकी है, या फिर निकाल ही देता हूँ मैं, नहीं रख रहा उसको क्योंकि थोड़ा खराब दिख रहा है वो, तो अंडू करके निकाल देता हूँ जैसा था वैसे। बाद में लास्ट में हम लोग थोड़ा देखते हैं कि उसका क्या कर सकते हैं। वैसे भी थोड़ा अच्छा ही दिख रहा था। यहाँ पे एक पैच आ रहा हूँ, राइट क्लिक वर्टेक्स टारगेट वेल्ड की मदद से ज्वाइंट करवा लेता, जिसकी मदद से वो पैच हट जाएगा। यहाँ पर इसलिए आ रहा है क्योंकि देखो कि 1 2 3 4 5 पॉली बन रहा है, तो उसे आप ट्रायंगल में कन्वर्ट करवा सकते हो मल्टी कट की मदद से, कुछ इस तरीके से हट जाएगा वो। यहाँ पर कुछ तो हुआ है, यहाँ पर एजेस का इशू है, एज कंट्रोल बैकस्पेस की मदद से निकाल दे रहा हूँ। यहाँ पर एक एज रहेगा, और राइट क्लिक करके वर्टेक्स की मदद से टारगेट वेल की मदद से इसे यहाँ पर अटैच करो ऐसे। उसके बाद ये पूरा पार्ट बन चुका है। यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ है, राइट क्लिक वर्टाइसेस मूव टूल, इन सबको थोड़ा आगे ले लेते हैं। अंडू किया था इसलिए वो वापस अपनी जगह पर आ गए। प्रॉपरली और इसे थोड़ा सा आगे ले, अभी ये पीछे का जो पार्ट है ना वो थोड़ा सा कर्व रहने वाला है। हाँ वो कर्व रहने वाला है, तो उसका क्या किया जाए? तो पहले तो देखोगे यहाँ पर एक इश्यू आया है, टारगेट वेल्ड की मदद से इसे मर्ज करवाता हूँ, जिसकी मदद से वो पैच हट जाए करके। हाँ वो मल्टी कट की मदद से ही हटेगा क्योंकि वहां पर एक लूप आएगा ऐसा कुछ। तो मैं क्या करता हूँ, बीच में कंट्रोल की मदद से दो लूप्स दे देता हूँ कुछ इस तरीके से, या फिर 3 भी दे सकते हो, वो आपके ऊपर है, मुझे जरूरत नहीं लग रही। एज लेता हूं और यहां से, सॉरी यहां से यहां तक और यहां से यहां तक थोड़ा सा बाहर लेता हूं कुछ इस तरीके से। ये वाला नहीं आया,
यहाँ पर देखो कितना चाहिए, ज्यादा मत लो। ऑब्जेक्ट तो कुछ ऐसे दिखे। उसके बाद बीच में एक सर्कल डाला हुआ है, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली सर्कल ले लेते हैं, फ्रंट व्यू में आते हैं। आई थिंक कहाँ पर है वो देखना पड़ेगा। ओके यहाँ से तो मूव टूल की मदद से नीचे, इसकी मदद से आगे। आर दबाओ, बड़ा करो कुछ ऐसे। परफेक्ट। राइट क्लिक, वर्टाइसेस, यहाँ के पीछे है। हाँ वही कर रहा हूँ, वर्टाइसेस सिलेक्ट, पीछे ले लेता हूँ यहाँ पर, क्योंकि अंदर जाके वो नहीं दिखेगा। लेकिन इसका जो वर्टेक्स है उसे सिलेक्ट करता हूँ। बहुत ओवर पॉली है ये, पहले पॉलीज कम कर दो। हाँ जैसे कि यहाँ पर आ जाता हूँ, 20 है, कम कर देता हूँ 8, छोटा हो गया ये। राइट क्लिक, वर्टाइसेस, कभी कभी होता है क्योंकि उसकी हिस्ट्री डिलीट नहीं थी करके। इधर तक, और फिर राइट क्लिक, वर्टेक्स, ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स को सिलेक्ट करता हूँ, प्रोग्राम कैम्फर थोड़ा बड़ा करता हूँ, फेस फेस डिलीट, एजेस, ये एजेस और ये एजेस सिलेक्ट, और यहां से ब्रिज कर ले। तो देखोगे ये ऐसा कुछ बन जाएगा, लेकिन मुझे लग रहा है बहुत बड़ा हो गया या फिर ये वाला प्रॉब्लम है, तो इसको वर्टेक्स ले लो, वर्टेक्स, और इसके जो वर्टेसेस है उनको बाहर ले लो। ऐसे कुछ जैसे आपको मैन्युअली भी मैनेज करना पड़ेगा। जैसे ही ये हो जाता है, अंदर के फेसेस की जरूरत है नहीं, तो क्लिक करके फेस पे जाओ, 1 2 3 4 5 6 7, नहीं ये वाला नहीं कर सकता, ये दो डिलीट कर दो। और वैसे भी मुझे वो सिर्फ छुपाने के लायक चाहिए, तो वर्टेक्स पे आ जाओ, वर्टेक्स को सिलेक्ट करो और अंदर डाल दो, जैसे ये दो को अंदर डाल दो। यहाँ से देखो कैसा दिख रहा है, और उसके बाद ही जैसे कि वो पीछे के भी सिलेक्ट हो रहे हैं मेरे, तो मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड पे आता हूँ, रिटर्न इसे क्लिक करता हूँ, वर्टेक्स पे थोड़ा टेढ़ा रखूंगा या फिर सिर्फ क्लिक करूंगा, क्लिक करने से सिर्फ आगे का होगा, और क्लिक एंड ड्रैग करूंगा तो पीछे जितने भी दिखेंगे उनके साथ होगा। और यहाँ पर देखोगे यहाँ पर भी थोड़ी गड़बड़ हो रही है, तो इसे थोड़ा सा अंदर ढकेलना पड़ेगा ऐसे छुपाने के लिए, या ऐसा कुछ। और नीचे की तरफ, और इसमें थोड़ी सी एक गलती ये हो गई है कि मैंने गन आधी बनाई है, तो ये सर्कल भी उसका हाफ रहना चाहिए था यहाँ तक। अब रिटर्न मुझे उतना करना पड़ेगा।